चोरों की तरह भाग कर गई थी ना, और अब थानेदार की तरह घर वापस आते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अक्का साहब मैं चुप। तेरे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। तूने जो किया उसके बाद तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने खड़ी होकर मुझे सफाई देगी? इस घर में मुझसे पूछे बिना हवा भी रुख नहीं बदलती, और तू मेरे फैसले के खिलाफ चली गई। मैंने तुझसे कहा था ना कि इस घर से बाहर मत जाना, तो फिर क्यों गई? यही सिखाया है तेरे घर वालों ने तुझे? अक्का साहब प्लीज, आपको जो बोलना है आप मुझसे बोलिए, बार बार मेरे घर वालों को बीच में मत लें। तुझसे? तूने जो किया ना उसके बाद तो तुझसे बात करना तो दूर, मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मैंने तुझसे कहा था ना कि घर से बाहर मत जाना, और तू भागकर चली गई। इस तरह से भागकर कौन जाता है? हाँ, बंदरिया थी क्या पिछले जन्म में? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया तेरा? मेरा बचपना नहीं जा रहा अक्का साहब, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, उसके बावजूद भी आपने मुझे रूम में बंद कर दिया। सभी, मैं चीखती रही कि प्लीज दरवाजा खोलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और आपने क्या किया, मेरी आवाज दबाने के लिए फुल वॉल्यूम में टीवी ऑन कर दी। बचपना इसे कहते हैं। सभी, आपने सभी को कमरे में बंद कर दिया था? क्यों कसर, जब सभी ने आपसे कहा था कि वो घर के बाहर नहीं जाएगी तो आपने उसे कमरे में क्यों बंद कर दिया? ईशान, तू मुझसे सवाल करेगा इस लड़की की वजह से? अरे तू जानता नहीं है इसे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सभी? वहां मुझे इतना बुरा लग रहा था कि तुमने इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी हॉल गया, वहां पे मैंने तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने सिर्फ अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी घर छोड़ के भागने की? अरे मुझे एक कॉल कर देती, मुझे इन्फॉर्म कर देती, मुझे बता देती। मैंने काकू के फोन से आपको कॉल लगाने की कोशिश की थी लेकिन आपका फोन नहीं लगा। फिर अक्का साहब के पास भी गई थी पूछने के लिए, उन्होंने मना किया तो मैं चुपचाप अपने रूम में आ गई। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे रूम में बंद किया, और जब मैं चिल्लाने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी प्लीज दरवाजा खोलो, तो उन्होंने टीवी की वॉल्यूम एकदम फुल कर दी ताकि मेरी आवाज दब जाए, मेरी आवाज बाहर ना जाए। बताइए ये कैसे बर्दाश्त करती मैं? बचपन से ना मैंने एक ही चीज सीखी है सर, अन्याय कभी भी बर्दाश्त मत करो। बात न्याय अन्याय की नहीं है सभी, ये घर है, यहाँ सबको सबका साथ देना पड़ता है, सबको सबकी बात माननी पड़ती है। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये काम करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा था कि अक्का साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, अब वो तुमसे भी गुस्सा है, मुझसे भी गुस्सा है, मुझसे तो बात तक नहीं कर रही है वो। बताओ, भोसले इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कॉलेज छोड़ के यहाँ पे ये काम कर रहा है, अब यही काम करने के लिए बैठा हूँ मैं घर पे, यह काम भी करूँ तुम मुझे बताओ? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी है। अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है तो आप दे दीजिए मुझे सजा। ये सोल्यूशन निकाला तुमने कि मैं तुम्हें सजा दूं? हाँ, क्या पता मुझे सजा देके मुझ पे चिल्ला के आपको थोड़ी शांति मिल जाए। हाँ, जैसे मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम हंसते हंसते उस सजा को मान लोगी। अगर तुम्हें सजा पसंद नहीं आएगी ना, तुम तो फिर से वो खिड़की से छलांग लगा लोगी हाई जंप मार के। नहीं, आपको दिखाऊंगी कि सभी जबान चाची पक्की जबान। अच्छा, मैं भी तो देखूं तुम्हारी जुबान कितनी पक्की है। खड़ी रहो एक टांग पे जब तक मैं वापस नहीं आता। ओके, रहूंगी। करके दिखाओ ना। कर, हाँ करूंगी। करके दिखाओ, ज्यादा बोलो मत, करके बताओ। करूंगी, देखता हूँ मैं कुछ। करूंगी करूंगी। स्ट
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।